बाबा साहब ने तो ये कहा था कि भाई हम सेपरेट, हमारी आइडेंटिटी है, हम हिंदुओं से अलग हैं, वो टचेबल हैं, हम अनटचेबल हैं, हमारी अलग विरासत है, हमारी अलग संख्या है, हमें अलग इलेक्टोरेट चाहिए, हमारे अलग से वोट का अधिकार चाहिए, हमें अपनी सरकार बनानी है। सिंपल सी बात है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा साहब की विरासत को समझो और कांचीराम की विरासत को समझो। जिसकी सरकार होती है उसका साला कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो एक था महेंद्र सिंह टिकैत, तथाकथित किसान नेता, था बड़ा खतरनाक, बड़े समर्थक थे जाट, खतरनाक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट सारे उसके समर्थक, हरियाणा के भी जाट उसके समर्थक। उसने उसको चुमारी कह दिया था मुख्यमंत्री होते हुए, चुमारी कह दिया था उसको। महेंद्र सिंह टिकैत गिरफ्तार हुआ था कि नहीं हुआ था, पता है ना आपको? हुआ था। दलितों के यानी कि अनटचेबल्स के पानी पीने का कुआ अलग है, दूसरे का कुआ कुएं से पानी ले लिया था कुछ दिन पहले हमारे से, क्योंकि कुएं में पानी था नहीं, सूख गया था शायद कुआ, तो कुएं में पानी लेने चले गए, वहीं उनकी धुनाई हुई। तो भाई 200 कारें लेकर और 300 बसें लेकर क्या करोगे आप? इसका मतलब बाबा साहब की विरासत का पता नहीं है, इसका मतलब कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई। 100-125 फंक्शन किए हैं भारतीय समाज निर्माण संघ ने दिल्ली में, बड़े गर्व की बात है, हमें भी गर्व है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, सारे निर्णय हम डिस्कस करके लेते हैं वहाँ पे, राजेश जी के वहाँ पे कमरे में। हम एक भी लेफ्टिनेंट गवर्नर दलित बना है क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बना मन, और दलित मुख्यमंत्री वो मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ उदाहरण, दोबारा फिर दे देता हूँ। हाल ही में दिल्ली के एमसीडी के चुनाव हुए थे, है ना, हुए थे ना, चलो आम आदमी पार्टी जीत गई। एक सेलिब्रेटरी फंक्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए इन्होंने की, आदरणीय श्री केजरीवाल जी ने, सेंटर में केजरीवाल बैठे थे, जो खुद टीवी पे बोलते हैं कि मैं बढ़िया हूँ, उसके राइट में राजेंद्र सिंह जी बैठे थे जो राजपूत हैं, उसके लेफ्ट में मनीष सिसोदिया बैठे थे, जेल से बाहर आ गए कि नहीं, जेल में, उसके लेफ्ट में गोपाल राय जी बैठे थे, वो भी बढ़िया है, उसके सबसे राइट में बैठे था भगवंत मान, वो जाट है जो हमारे पंजाब में बिल्कुल अत्याचार करते हैं हमारे दलितों पर। तो भाई ये 100-100 फंक्शन हम कर रहे हैं, दिल्ली में ही तो कर रहे हैं ज़्यादातर, तो हमारा तो उसमें पांचों में कोई दलित था ही नहीं वहाँ बैठने वाला, क्या कर रहे हैं हमारे MLA वहाँ पे आम आदमी पार्टी में या वो तो दूसरे। तो बाबा साहब के मकसद को शायद हम समझ नहीं पाए हैं। वो दिन कब आएगा जब हम उन नंगे बच्चों की तकदीर बदलने का फैसला करें, ये हमें सोचना, ये हमें निर्णय लेना है कि वो जो माएँ अपने नवजात शिशुओं को वहाँ घास में लिटाकर बाबा साहब को नमन करवाती हैं, उनकी आकांक्षाएं कैसे पूरी होंगी, उनकी उम्मीदें इस देश में कैसे पूरी होंगी। क्या बाबा साहब ने कहा था कि भाई 200 कारें आप निकालना, मूर्तियां लगाना मेरी? तुम लोग, बाबा साहब ने तो ये कहा था कि भाई हम सेपरेट, हमारी आइडेंटिटी है, हम हिंदुओं से अलग हैं, वो टचेबल हैं, हम अनटचेबल हैं, हमारी अलग विरासत है, हमारी अलग संख्या है, हमें अलग इलेक्टोरेट चाहिए, हमारे अलग से वोट का अधिकार चाहिए, हमें अपनी सरकार बनानी है। सिंपल सी बात है। इसी बात को साबित करने के लिए न जाने कितनी किताबें लिख जानी उन्होंने, न जाने कितनी कमीशनों में, कितनी कमेटियों में अपने मेमोरेंडम पेश कर दिए, अपनी रिपोर्टें पेश की, लड़ाई लड़ी, खुद पेश हुए साउथ बोरो का भाई साहब वीर सिंह जी जिक्र कर रहे थे, साउथ बोरो कमेटी में, साउथ बोरो कमेटी में बाबा साहब ने क्या मांगा था? सिंपल सी बात है, साउथ बोरो कमेटी में बाबा साहब ने मांगा था भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, हमें वोट का अधिकार दे दो और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दो। 8 या 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी मांगी थी बॉम्बे प्रेजिडेंसी। ये बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का एक धरना था यहाँ पे जंतर मंतर पे, जिसका मैं भी
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और उत्तरी भारत का मैं मुझे प्रभारी बनाया है अभी माने साहब डॉक्टर एडवोकेट सुरेश माने जी हैं और बहुत ही प्रखर बुद्धि जी भी हैं वक्ता हैं। खैर कोई बात, फंक्शन था तो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सबको पता है भाई साहब बैठे हैं विजेंद्र जी, परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस से। ओपन में फंक्शन कर रहे हैं परमिशन लेनी पड़ती है, तो परमिशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया। मैं खुद गया क्योंकि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, उत्तरी भारत का प्रभारी हूँ और वहाँ DCP से मिला मैं, साहब हो जाएगा सर हो जाएगा जी। हुआ नहीं लास्ट के दिन तक भी, मतलब हो गया पर लास्ट के दिन तक हमारे नाक में चने चबा दिए, ये कागज दो साहब, आप कौन हैं, आप कब रिटायर हुए थे, आप राजनीति कब से कर रहे हैं, आपने क्या कोई इलेक्शन लड़ा है, माने साहब ने क्या कोई इलेक्शन लड़ा है, आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, कितने परसेंट वोट हैं। ये लास्ट तक हमारे नाक को चने चबा दिए उन्होंने, लास्ट के 4 बजे परमिशन दी। करोड़ों लोग कांवड़ियों के नाम पर हरिद्वार से चलते हैं, हुड़दंग मचाते हैं पब्लिक में, एक्सीडेंट करवाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, पुलिस के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं और जगह जगह भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, अगर कांग्रेस की सरकार होती वो भी वही करती, इसमें कोई आपको शक नहीं। पंडाल लगा रखे हाईवे पे, हाईवे के बीच में पंडाल, और वहाँ आपको पता है वहाँ भोले शंकर का प्रसाद जो क्या है वो जो सब चलता है, पूरी अराजकता है, कोई परमिशन नहीं है किसी प्रकार, किसी के पास पुलिस की कोई परमिशन नहीं। ये है हमारी हालत। हम एक जंतर मंतर में धरना चाहते करना चाहते हैं मणिपुर वायलेंस को लेके या और दूसरे मुद्दों को लेकर, परमिशन नहीं मिलती लास्ट तक। यहाँ पर जो मर्जी करो, कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर मंत्री था, बोला देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और कपिल मिश्रा के तो वीडियो देख लोगे तो आपको शर्म आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे एक सुरेश द्रविड़ जी हैं PPI चारे, वो भी अंबेडकरवादी पार्टी है छोटी सी, वो भी चला रहे हैं हरियाणा में, इसमें कैथल में कुछ बोल दिया छोटा मोटा, कुछ भी नहीं बोला, ऐसे कुछ बोल दिया होगा कि मोदी जी ये करते हैं, देशद्रोह का केस चल रहा है उसके खिलाफ, देशद्रोह का। और सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारे चौहान साहब हैं एडवोकेट, वो उसका केस लड़ रहे हैं, अभी उनसे मेरी मुलाकात हुई, इस बात का मुझे वहाँ पता चला। मैंने उनसे पूछा सुरेश द्रविड़ का क्या हाल है, वो मुझे फ़ोन करता रहता बेचारा जबकि धरने मरने देने होते हैं, कह रहा है जी उनका तो केस चला हुआ। मैं किस चीज़ का, देशद्रोह का, कहता उसने, मैं कहा उसने क्या कर दिया, कहता कुछ भी नहीं, छोटा कुछ बोल दिया होगा मोदी जी के खिलाफ, कुछ कह दिया होगा, कह सकते हैं भाई प्रजातंत्र है, देशद्रोह का केस चल रहा है। और यहाँ देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और कपिल मिश्रा और पता नहीं क्या सारे इनके लोग, आज तक किसी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है? मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा साहब की विरासत को समझो और कांचीराम की विरासत को समझो, जिसकी सरकार होती है उसका साला कोई हाथ नहीं लगा सकता। टच करके तो दिखाए, वो एक था महेंद्र सिंह टिकैत, तथा कथित किसान नेता था, बड़ा खतरनाक, बड़े समर्थक थे जाट, खतरनाक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट सारे उसके समर्थक, हरियाणा के भी जाट उसके समर्थक, मायावती मुख्यमंत्री थी, आपको याद होगा इंसिडेंट, जो पुराने लोग हैं याद तो होगा, उसने उसको चुमारी कह दिया था, मुख्यमंत्री होते हुए चुमारी कह दिया था उसको, हाँ। तो भाई साहब और मेरी बहनों, उसके खिलाफ SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत केस दर्ज हुआ था। फिर वो कहता जी अरे ये मुझे क्या गिरफ्तार करेंगे, ये मतलब हमें कह रहा था, चैलेंज कर रहा था, कहता साला देखा कोई किसी की हिम्मत है मुझे गिरफ्तार कर दे,
वो एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है, कोई नाम है भूल गया, उसने जाके छुप गया एक उसमें कोठे में, और ईंटे रख ली पूरे गांव ने अपने अपने छतों पे कि पुलिस आएगी हम ईंटे बरसाएंगे, हम देखते हैं कैद को कैसे वो करेंगे। गिरफ्तार कर मायावती को बड़ी मुश्किल हुई। मायावती ने पुलिस वगैरह बुलाई, पुलिस तो वहाँ की बटी हुई है जाती है आधार पर, और इस तरह प्राइम मिनिस्टर को लिखा, सीआरपीएफ की जो बटालियन है बटालियन वहाँ पे आई, कंपनी आई पूरी उसके साथ पूरे हथियारों के साथ, और उनको आदेश हुआ कि उसको जैसे मर्जी हो गोलियां चलाओ, जो आगे आए मारो, पकड़ के लाओ अंदर कर। महेंद्र सिंह कह था, महेंद्र सिंह कैद गिरफ्तार हुआ था कि नहीं हुआ था पता है ना आपको? हुआ था। ये होती है सत्ता की ताकत, और यही है बाबा साहब की विरासत, और यही है कांशीराम की विरासत। दिल्ली में हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम वही लंच कर लिया, अभी भाषण हो जाएगा, अब चले जाएंगे, फिर अगला फंक्शन की तैयारी करेंगे। इस चीज को आप समझें, बाबा साहब को पढ़ें। मैं अपने बुद्धिजीवियों से भी यही कहता हूँ, और बाबा ये तो खैर वीर सिंह जी तो अभी कहा था उन्होंने कि 90 जो है अपनी बात बड़े ढंग से, उन्होंने कहा कि 90 10 के ऊपर वैसे गिर जाए 10 तो साले वैसे दब के मर जाएंगे। तो हम 131 अभी आप मणिपुर का जिक्र कर रहे थे मेरे साथी, मणिपुर में और वो तो पता नहीं किसी हमारे साथी ने ये भी कहा था कि दोनों जातियाँ जो हैं वो ट्राइबल हैं, ट्राइबल नहीं है, मैती जो हैं वो वैष्णवाइट हिंदू हैं, पढ़ लेना आप, वो हिंदू है। उनको ट्राइबल स्टेटस पहले देने की कोशिश उन्होंने लिया नहीं, उनको बैकवर्ड भी देने की कोशिश की उन्होंने लिया नहीं। 47 सांसद हैं ट्राइबल के, 47 टोटल 131 हैं SC ST। क्या कर रहे हैं भाई? 47 सांसद ने किसी ने बयान दिया या किसी ने रिजाइन किया? अरे ऐसे में तो भगवान भी रिजाइन कर दे, जिस तरह से वीडियो आए हैं, ये तो सांसद हैं नॉर्मल, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। जो रूलिंग पार्टी के सांसद हैं ट्राइबल, किसी ने कोई आवाज भी नहीं उठाई, कुछ कहा ही नहीं। और हर वर्ष इस देश में जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत मुकदमे 10% बढ़ जाते हैं, बढ़े जा रहे हैं, 131 सांसदों को कोई चिंता ही नहीं है। तो इसीलिए तो आप बाबा साहब ने कहा था कि भाई अपने सच्चे प्रतिनिधियों को चुनने की स्कीमें बनाओ, ऐसे प्रतिनिधि जो आपकी आवाज को शेर की तरह जो है दहाड़कर विधानसभा में या पार्लियामेंट में उठा दें, और विधानसभा को बंद कर दें, आमरण अनशन कर दें, सारा जो होगा देखी जाए, ठीक है ना। अब इस सिलसिले में वीर सिंह का नंबर कब लगाना है आप लोगों ने, ये तो आपको तय करना है। मैं तो चाहता हूं कि अगले लोकसभा में या विधानसभा में उसमें वीर सिंह जो है, तो यहाँ आपको जगा रहा है, यहाँ आपका खून गर्म करता है, तो वहां पार्लियामेंट में छोड़ेगा क्या उनको? इसी विरासत को बाबा साहब की, आज का क्लोजिंग फंक्शन है, इसी को समझ लो बस, और कांचीराम की बात को समझ लो। कांचीराम ने क्यों कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या? यही है फिलोसफी बस, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसी फिलोसफी को, इस दो लाइनों को समझ लो। बहुत बहुत धन्यवाद।